कि हमने जो भी चर्चाएं की, जो भी मुद्दे रखे, जो रोड मैप विजन के साथ आप सभी लोगों को हमने बताया, महागठबंधन के सभी साथियों ने ये बोला कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की, हम लोगों ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात की, हमने नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन की बात की, हमने बिजली के दरों को आधा करने की बात की, हमने जीविका दी दीदी आशाकर्मी आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी सहायिका उर्दू शिक्षक कार्यपालक सहायक सांख्यिकी स्वयं सेवक लाइब्रेरियन रसोईया सहित तमाम अन्य साथियों को मानदेय बढ़ोतरी की बात की और नियमित करने की बात की। हम लोगों ने किसान मजदूर कृषि ऋण माफ करने की बात की, किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, शिक्षा का, शिक्षा पे लगभग जो बजट का बिहार का कुल जो आंकड़ा निकल कर के आता है वो लगभग पूरे बजट का 22% जो होगा वो शिक्षा पे हम लोग जो है खर्च करने का काम करेंगे, इसकी भी हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। हमने किसान आयोग बनाने की बात की, व्यावसायिक आयोग बनाने की बात की, युवा आयोग और खेल आयोग बनाने की बात की है। हमने देश में हर राज्य में कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनाने की बात की, हमने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नीति को लागू करने की बात की, लगभग 85% आरक्षण स्थानीय अभ्यर्थियों को सुनिश्चित हो इसकी हम लोगों ने चर्चा की। मिथिलांचल में हम लोगों ने जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की, हम लोगों ने बिहार के सभी इलाकों खास तौर पर सारहन तिरहुत सीमांचल मिथिलांचल और कोसी में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है और इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की है। हमने उपेक्षित सीमांचल और कोसी क्षेत्रों के स्वर्गीय विकास के लिए सीमांचल विकास आयोग और कोसी विकास आयोग की गठन करने की हम लोगों ने बात की है। और आप लोग देखिएगा, जो बिहार की ज़रूरत है, जो बिहार के लोगों की इच्छाएं हैं, जो मुद्दे हैं ज़मीनी जिससे बिहार बेहतर बन सकता है, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा अस्पताल हो, हर प्रमंडलीय में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, इन सारी चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की है। हम लोगों का साफ मानना है कि राजनीति में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव बात होनी चाहिए जिससे बिहार का उत्थान हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो और हमारा राज्य जो है प्रगतिशील राज्यों में सम्मिलित हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहे। हमने विश्वविद्यालय बनाने की बात की, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके और प्रगतिशील बिहार हम लोगों का सपना है कि बिहार बने, जात पात धर्म की राजनीति नफरत फैलाने की राजनीति बहुत हो गई, अब जो होनी चाहिए बिहार के उत्थान की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। लगातार लोगों का जो प्यार समर्थन आशीर्वाद और जो जन सैलाब हमारे रैलियों में देखने को मिला, साफ तौर पे ये दर्शाता है कि बिहार के लोग मौजूदा एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार से ऊब चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मौजूदा जो सरकार है उसका जाना तय है और बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव हो करके रहेगा, ये चाहे
नौजवान हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे मजदूर हो, किसान हो, सभी लोगों ने, चाहे व्यवसायी हो, सभी लोगों ने ये मन बनाने का काम किया है। और लगभग आपको हम बता दें 247 जनसभाएं हमने की हैं और लगभग 4 रोड शो किया है। 251 जो हमारा कार्यक्रम रहा, इतने कम दिनों के अंदर जितना संभव हो सका उतना हम लोग जनता के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जा कर के अपनी बात को, अपने विज़न को रखने का काम करें। लेकिन जनता में काफ़ी ऊर्जा, जोश और ख़ास तौर पे महागठबंधन के प्रति एक उम्मीद और एक आशा, एक विश्वास जो उनके बॉडी लैंग्वेज में झलक रहा था, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि बिहार की जनता बदलाव करेगी और जो हम लोगों ने विकल्प रखा है उसको चुनने का काम करेगी। कल जब हम रैली से लौटे, हमने बयान देखा आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उनकी शायद पूर्णिया में दमदहा में एक सभा रही। उस सभा में, वो मेरे ख्याल से आखिरी चुनावी सभा थी, उन्होंने बोला कि अब उनका आखिरी चुनाव है। हम ये कहना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि हम शुरू दिन से एक ही बात कहते रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। और लगातार हमने इस बात को बार बार दोहराने का काम किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इतिहास के बासी पन्नों में सिमट के रह गए और हम लोगों की चिंता वर्तमान और बिहार के भविष्य की थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो बात हम लोग कहते रहे हैं कि थक चुके हैं, संभल नहीं रहा, कल की सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास लेंगे। उन्होंने कहा कि संन्यास लेंगे, उनकी आखिरी चुनाव है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं बिहार के लोगों को, जो व्यक्ति का आखिरी चुनाव है उनको वोट देने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाएगी। अगर वो 5 साल बिहार बर्बाद होता है आगे का, तो जिम्मेवारी किस पे आएगी? यानी वो पहले से ही पल्ला जो है वो झाड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर आप देखिएगा कि जो चुनाव लड़ेगा ही नहीं, उसको वोट देने का मतलब ही नहीं है। हम लोग लगातार इस चीज़ों को बड़ी मजबूती के साथ जनता के सामने रखा है कि 15 साल बिहार की जनता ने मौका दिया, फिर भी बेरोजगारी दर बिहार का 46.6, डबल इंजन की सरकार में बिहार में अपराध बढ़ा, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा, लगभग 60 घोटाले हुए, 30,000 करोड़ का बंटा ढार हुआ। आप देखिएगा बिहार में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, मजदूरों का अपमान किया गया, डबल इंजन की सरकार ने शिक्षा को चौपट कर दिया, यहाँ के अस्पताल खुद आईसीयू में हैं, हल्का सा पानी हो जाता है सांप बिच्छू आईसीयू में घुस जाता है, पानी भर जाता है, कुत्ता जो है वो शव लेकर के अस्पताल से बाहर लेके चला जाता है। इस तरह की घटनाएं हम लोगों ने देखने का काम किया। और नीतीश कुमार जी का ये कहना कि उनका आखिरी है, तो आप समझ सकते हैं कि वो हार मान चुके हैं और हमारी बात को उन्होंने मोहर लगाने का काम किया।
नीतीश जी को हम इतना कहना चाहेंगे कि अगर 15 साल आपने काम किया होता तो शायद ये ज़रूरत ना पड़ती। अभी भी ग्रेजुएशन के लिए 3 साल से भी ज़्यादा का समय लगता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। BPSC की स्थिति लेत लतीफ़ा किसी से छुपा नहीं है। कितने हमारे नौजवानों को कष्ट उठाना पड़ता है, रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, 4 साल 5 साल कुछ होता भी है तो उसमें भी धांधली होता है। तो पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी ने, मौजूदा डबल इंजन की सरकार ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिखा है। और यही कारण है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार हर एक सूचकांक में फिसड्डी रहा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, या कोई भी मामला। यही डबल इंजन की सरकार कहती रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला। इसलिए हम सभी लोगों से ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो जो चीज़ें हम लोगों ने आपके सामने शुरुआत में हमने जो रखा, जो हमारा विजन है, जो संकल्प रहा, प्रण पत्र रहा, उसको हम लोग समय रहते उसको हम लोग पूरा करेंगे और ये सच होने जा रहा है। इसलिए हम बिहार की जनता से ये अपील करेंगे कि जो विकल्प आप लोगों के सामने हम लोगों ने मजबूती के साथ रखा है उसको आप लोग चुनने का काम करें। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। जो भी दोषी होगा उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को, साजिशकर्ता को हम लोग बख्शने का काम नहीं करेंगे। तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते क्योंकि सारी बातें लगभग हम लोगों ने हर जगह पे, समय समय पे हम लोगों ने करने का काम किया है। तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया और हमारे जितने प्रेस बंधु हैं, जितने भी उपस्थित लोग हैं, उन सभी लोगों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन आपको एक बात कह करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि कुछ लोगों को अपनी व्यक्तिगत रूप से चिंता है कि उनको किसी तरीके से 5 साल मिल जाए। उनको बिहार की 12 करोड़ लोगों की चिंता नहीं है। कुछ लोग अपना 5 साल देखना चाहते हैं, बिहार का 5 साल नहीं देखना चाहते। तो उम्मीद करेंगे कि बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप लोग ऐसी सरकार चुनने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, जिसमें बिहार का हित हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, एक आदमी की बात ना हो, 12 करोड़ बिहार की जनता की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।